अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अल्लाह के करम के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अभी सुबह के तकरीबन 12 बजे का टाइम है और मैं बड़े ही सुकून वाली जगह पे पहुंचा हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, मदीना में आज मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को सलाम पेश करूँगा। और आपकी तरफ से भी जितने भी यूट्यूब के मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनकी तरफ से भी इंशाल्लाह आज मैं जो है वो सलाम पेश करूंगा और यहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे। मस्जिद के बारे में सारा मैं आज आपको बताऊंगा, मस्जिद दिखाऊंगा सारी की सारी इंशाल्लाह, जहाँ तक मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो सुबह यहाँ से हमने वापस रियाद की तरफ निकल जाना है, तो उससे पहले पहले इंशाल्लाह जितने नफल अदा हो सकते हैं वो यहाँ पर करेंगे, फजर की नमाज़ यहाँ पर पढ़ेंगे और हो सका तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो जोहर की नमाज़ है वो भी यहाँ पर अदा करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से एंटर होते हैं और ये आप देख सकते हैं ये बाज़ार है, बड़ा ख़ूबसूरत बाज़ार है। और ये आप कह लें एक मस्जिद से बाहर निकलते ही और मस्जिद की तरफ एंटर होते ही ये बड़ा ख़ूबसूरत सा एरिया है जहाँ पर ब्रांड्स हैं, खाने पीने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप खाना पीना भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए गिफ्ट्स वगैरह भी लेकर जा सकते हैं। तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और नमाज के बाद आपको मस्जिद दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है इस साइड से, और ज़्यादातर जो बस और गाड़ियाँ रुकती हैं वो इस की दूसरी तरफ रुकती हैं और यहाँ से लोग अंदर एंटर होते हैं। तो जैसे मैं एंटर हो रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी कितनी खूबसूरत मंज़र है। यहाँ पर जो अम्ब्रेला है, जो छतरियाँ हैं वो खुली हुई हैं, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी ज़्यारत करें और मैं भी कर रहा हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम यहाँ से एंटर होंगे और उससे पहले वज़ू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं वज़ू कर लेता हूँ, नीचे बेसमेंट में जा रहा हूँ जहाँ पे मैं वज़ू करूँगा। माशाल्लाह वज़ू खाने की सफाई हो रही है माशाल्लाह। सुबह का एक का टाइम हो रहा है और ये भाई हमारे सो रहे हैं यहाँ पर। वज़ू अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया है, अब नमाज अदा करते हैं माशाल्लाह। मस्जिद नबी की सफाई हो रही है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी उन्होंने अंदर नहीं जाने देना, उन्होंने बंद किया हुआ है, सफाई हो रही है। जैसे ही ये ओपन होगा तो इंशाल्लाह अंदर जाके भी नमाज़ पढ़ेंगे। पहले मुझे यहाँ पे लगता था कि यहाँ पर जो पानी है वो आब ज़मज़म है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने बोला ये आब ज़मज़म नहीं है, आब ज़मज़म अंदर मिलता है कूलर के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जूतों वगैरह के लिए जगह है तो मैं अपना जूता यहाँ पर रख लेता हूँ। लोगों ने अपना जो है वो सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर जगह है, हम यहाँ पर रख देते हैं माशाल्लाह। बदर गेट से मैं एंटर होने लगा हूँ माशाल्लाह, ये गेट से मैं एंटर हो रहा हूँ, बड़ी खूबसूरत है। यहाँ पर हम नमाज अदा करते हैं। ये मस्जिद के अंदर से ज़ियारत करें माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत है मस्जिद अंदर से, ठंडी और ठंडक यहाँ से आ रही है। अभी मैं जा रहा हूँ रोज़ा रसूल पर और सलाम पेश करने, तो आपको भी ज़ियारत करवाते हैं माशाल्लाह से। ये है अंदर कूलर जो पड़े होते हैं, इनके अंदर आबे ज़मज़म होता है, बाहर आबे ज़मज़म नहीं होता, तो भी आबे ज़मज़म पीते हैं। अभी मैं आ गया हूँ गेट नंबर 4, बैक साइड है ये, और ये आप इस साइड से देखें माशाल्लाह से, ये सामने बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी। तो अभी मैंने जाना है सलाम करने, आपको बताया है, और ये है बाबू सलाम सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने जाना है और वहाँ पर रोज़ा रसूल है। तो इंशाल्लाह अभी जा रहे हैं, अभी यहाँ से रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है, तो अब देखते हैं कहाँ से रास्ता है और वहाँ से फिर जाते हैं हम सलाम करने के लिए। मौसम बहुत खुशगवार हुआ है, बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की माशाल्लाह बारिश हो रही है। ये देखें शायद आपको नज़र आ रहा हो, हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा फील हो रहा है।
एक एहसास, एक अलग सा एहसास है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको यहाँ पर बुलाए। ये वो जगह है जहाँ पर हमने जाना है, और ये माशाल्लाह ये गुंबद है, और यहाँ पर रोज़ा रसूल है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी ज़ियारत करें। बाबू सलाम, ये गेट है माशाल्लाह, यहाँ से एंटर होना है माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह सलाम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैकुम सलाम। या बैसा لا توقف عندك يا شيخ تعال بيسار يلا يا سيدي حركة زائر माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से हम बाहर आए हैं, और बाबुल बकी ये नाम है इसका, अल बकी गेट भी से बोलते हैं। होने के बाद यहाँ पर दो नफल अदा कर लेते हैं। ये सामने जो आपको काफ़ी ज़्यादा लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली ये जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में, और रियाजुल जन्ना में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है, तो इनके पास परमिट होगा तभी इनको जाने दे रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर जाने नहीं देते। बिल्कुल जो रोज़ा रसूल है उसके साथ ही रियाजुल जन्ना है, ये जो सब्ज़ गुंबद आपको नज़र आ रहा है उसके साथ ही रियाजुल जन्ना है माशाल्लाह से। इनसे पूछा है, उन्होंने बोला है कि एक ऐप है, मैं उसका जो साइट पर शो कर रहा हूँ वो उस ऐप के थ्रू आप परमिट लें, और उस डेट और टाइम पर आप आएँ तो फिर आपको वो अंदर जाने देंगे रियाजुल जन्ना में। यहाँ पर भी लिखा हुआ है बराए करम रियाजुल जन्ना में दाखिल होने के लिए इजाज़तनामा दिखाएं, फिर ही रियाजुल जन्ना में दाखिल होने दिया जाएगा। ये सामने आपको जो दीवार नज़र आ रही है, ये बेसिकली उसकी साइड पर जन्नतुल बकी है। अगर मुझे इजाज़त मिली तो इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा। अभी लगी है ज़ोरों की भूख, और जाकर कहीं से खाना खाते हैं, अद का खाना भी नहीं खाया तो अभी खाना ले लेते हैं। ये मैं बाहर निकला हूँ तो ये आप देख सकते हैं होटल हैं सारे, और अभी क्योंकि रात के 2 बजे के करीब का टाइम है इसलिए कोई नज़र नहीं आ रहा। बारिश माशाल्लाह हो रही है, बड़ी ठंडा मौसम हुआ हुआ है। अलबेग मिल गया है करीब में, यहाँ से खाना खाते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर खाना एक तो सस्ता भी होता है और टेस्टी भी होता है। ये आए हैं जी अलबेग से खाना, और अब जाएंगे मदीना, और मदीना जाकर खाते हैं इसे। अब मंजर है माशाल्लाह, अल्लाह ताला के रसूल का सामने सब्ज़ गुंबद, रोज़ा रसूल, और माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ रिज़क, और आब ज़मज़म सुभान अल्लाह। क्या ही एहसास है, और मौसम इतना खुशगवार है। सब्ज़ गुंबद के बिल्कुल सामने जो गेट है, जैसे हम उससे बाहर निकलते हैं तो ये यहाँ पर सजादुस सलात है, यानी कि प्रेयर मैट्स वगैरह मौजूद होते हैं, तस्बीह वगैरह लोग यहाँ से गिफ्ट वगैरह लेकर जाते हैं। अभी बंद है क्योंकि रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं, तो इसलिए ये सारे बंद हैं, तो आप देख भी सकते हैं क्लोज़ हुआ हुआ है। अब तहज्जुद की नमाज़ का टाइम हो रहा है, खाना मैंने खा लिया है, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज़ अदा कर ली है। आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा माशाल्लाह रश था, और अब मैं जा रहा हूँ बस की तरफ, तो आखिरी दफ़ा भी मैंने सलाम पेश कर दिया है। ये वीडियो यहाँ पर मुकम्मल करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।